हेड फिटिंग करेंगे, हेड का फेस और ब्लॉक को सफा कर दिया है। हेड गैस्केट जेन्युइन डालेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा की। हेड गैस्केट डालेंगे, सिलेक्ट लगाकर हेड गैस्केट लगाएंगे। टॉप ऊपर होगा, हेड को लगाएंगे। हेड को फिट करेंगे, चारों नट लगाएंगे हेड के। ये वार्सल लगाएंगे, हेड के चारों स्टड वार्सल। नट लगाएंगे, दो हेड के अंदर होते हैं। चारों स्टड को टाइट कर देंगे आमने सामने। ये पार्ट टू है, एक पार्ट डाला हुआ है हमने। चारों बोल्टों को टाइट कर दिया है। केम रोकर लगा दिया, के बाद में केम लगाएंगे। केम सील को भी चेंज करेंगे, नहीं है जेन्युइन। 3242/6 की सील है, केम सील जेन्युइन, इसको लगाएंगे। ए पिट कवर लगाएंगे, ए पिट कवर पर एना बॉन्ड लगाएंगे। ये टेपिट कवर लगाएंगे, टेपिट कवर के बोल्टों को लगाएंगे। बोल्टों को टाइट करेंगे, सारे 8 बोल्ट है, सारों को टाइट करेंगे। इंटैक लगाएंगे, ये इंटैक वाला बिल्कुल क्लीन किया हुआ है हेड पे से, और ये भी बिल्कुल क्लीन किया हुआ है हमने, इसको लगाएंगे। तीनों बोल्टों को टाइट करेंगे इंटैक मैनिफोल्ड के। इंटैक मैनिफोल्ड टाइट कर दिया है, इसके बाद में क्या करेंगे हम, एल्बो लगाएंगे इसकी। थर्मोस्टेट वाल्व की एल्बो है, ये देखिए डिफेक्ट बताता हूँ इससे क्या
ये कमी हुई है सारी। थर्मोस्टेट वाल्व मुड़ा हुआ है इसमें, ये दिख रहा है। और ना ये हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ये ठीक है, ये अंदर से ठीक है। और ये मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है। सारा फॉल्ट इसका था ये है। थर्मोस्टेट वाल्व एल्बो, पूरी एल्बो लाया हम महिंद्रा इन महिंद्रा की है। देखे ये महिंद्रा की है पुरानी, ये जैनवन है, ये भी नहीं, ये नहीं है, ये भी जैनवन है। इसको लगाएंगे, एनाबोंड लगा कर फिट करेंगे। ये एनाबोंड लगाई है हमने, दोनों बोल्टों को लगाएंगे, एलगी के बोल्ट। एल्बो टाइट करेंगे दोनों बोल्टों को। एल्बो को टाइट कर दिया, इसमें टेम्परेचर फ्यूज लगाएंगे। जो इसका था वही लगा रहे हैं। और होज पाइपों को लगाएंगे, सीएनजी का इंजेक्टर लगाएंगे, इसके बाद में टाइमिंग। सभी कपलर लगा दिया है, ऊपर की फिटिंग, इसमें स्पार्क प्लग लगाएंगे और इग्निशन कोइल, के बाद में टाइमिंग करेंगे। की लाइन है जितनी भी, ये एयर की है, इसको भी खोल जाए। और ये देखे सीएनजी की, इसको भी क्लीन करेंगे। ये देखे इसमें अंदर भरा हुआ है, ये देखे ये निकल रहा, इनको क्लीन करेंगे वरना सीएनजी पे स्टार्ट नहीं होगी। पेट्रोल से क्लीन करेंगे, ये देखे क्या निकल रहा है, इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। टाइमिंग मिलाएंगे, टाइमिंग कवर लगाएंगे पहले। पहले लगाएंगे टाइमिंग कवर, टाइमिंग कवर का एक बोल्ट लगाएंगे, बोल्ट को टाइट करने के बाद में पुली लगाएंगे ऐड की। ये पुली लगाएंगे, हेड की केम का बोल्ट टाइट करने के लिए। सामने वो चमक रहा है, इसमें ये डाल देंगे और बोल्ट को टाइट करेंगे। आगे से पेचकस लगा लेंगे, बोल्ट को टाइट कर लेंगे, बोल्ट टाइट हो गया। अगर ये लॉक नहीं करोगे तो बोल्ट टाइट नहीं होगा। टेसनर बैरिंग को लगाएंगे, महिंद्रा कंपनी का जीटर है, जीटर का।
अभी लूज छोड़ देंगे, टाइमिंग मिलाएंगे। टाइमिंग मिलाएंगे पहले, क्रैंक का टाइमिंग मिलाएंगे, क्रैंक का टाइमिंग। क्रैंक का टाइमिंग, ये क्रैंक का टाइमिंग आ गया, ये क्रैंक का टाइमिंग है। ये देखिए प्रॉपर चमक रहा है। हेड का टाइमिंग मिलाएंगे, गेम का टाइमिंग मिलाने के लिए यहाँ से पहले लॉक करेंगे। ये देखिए केम लॉक करेंगे, ये देखिए आ गया केम लॉक करने का। ये केम लॉक हो गई। हेलो भैया, किस टाइम आओगे दुकान? ये केम लॉक हो गई, आगे 10 नंबर का बोल्ट आ गया। ये क्रैंक का टाइमिंग है, टाइमिंग बेल्ट लगाएंगे, जिटर कंपनी का, ये विजय वन। टाइमिंग बेल्ट लगा दिए, अभी लूज है, फैसनर से इसको टाइट करेंगे। टाइमिंग फैसनर को ऊपर करके टाइट कर देंगे, इसके बाद में एक राउंड देंगे इंजन का और चेक करेंगे टाइमिंग ठीक है नहीं। ये केम लॉक है, ये क्रैंक का टाइमिंग है, टाइमिंग चेक करने के लिए एक बार इंजन का पूरा राउंड लेंगे। टाइमिंग ठीक है, टाइमिंग कवर लगा देंगे। ये टाइमिंग कवर लगाएंगे दूसरा, टाइमिंग कवर के बोल्ट को लगाएंगे। सभी बोल्टों को टाइट करेंगे टाइमिंग कवर के। टाइमिंग कवर के बोल्ट कंप्लीट। इसके बाद में नीचे वाली पुली लगाएंगे, पुली लगाएंगे। डोग नट को टाइट करेंगे, डोग नट को टाइट करेंगे, पेचकस लगाकर। चेंज कर दिया महिंद्रा कंपनी का, एयर फिल्टर और चेंज कर रहे हैं। कैस्ट्रोल का ऑयल डालेंगे इसमें। गाड़ी कंप्लीट है, ऑयल फिल्टर भी चेंज कर दिया है।
हैंड बेल्ट भी नहीं डाली हमने। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट है पहले चैनल में, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। गाड़ी स्टार्ट है।